बसमिल्लर उज़बिल्लम शैतरम बसमीमल महमद महमद ममिन कराम एक सवाल नमाज शब की वीडियो हम बता चुके हैं बना चुके हैं डिटेल भी बता चुके हैं लेकिन एक सवाल कसरत से पूछा जाता है ममिन की तरफ़ से कि हमें मज़ीद नमाज शिफ़ा व वित्र की तफसील बता दीजिए नमाज शब ग्यारह रकत नमाज है मोमिन की अलामत है कि वो नमाज शब पढ़ता है इकाम रकात पढ़ता है उसमें नमाज शब है दो दो करके एक सवाल नमाज शब में काफ़ी सवाल हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे एक तो यह बाज़ मोमिन पूछते हैं कि एक ही सलाम में ग्यारह रकात पढ़नी है या पहली आठ रकात एक ही सलाम में पढ़नी है नहीं दो, दो करके पढ़ेंगे दो रकत नमाज शब पढ़ता हूँ क़ुरबा अल्लाह अल्ला अकबर फजर की नमाज की तरह उसको पढ़ेंगे सलाम तशा सलाम पढ़ के ख़त्म करके फिर खड़े होंगे दो रकत नमाज शब पढ़ता हूँ कुरबतन अल्लाह अल्लाह अकबर इसी तरह मुकम्मल करते जाएंगे आठ रकत जब मुकम्मल हो जाएगी फिर आ जाएगी दो रकत नमाज शिफा उसको आपने किस तरह पढ़ना है दो रकत नमाज शिफा पढ़ता हूँ तहजद की अकबर उसमें आपने हमद पढ़नी है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सूरत कुल या पढ़ें, कुल, कुल फलक पढ़े कोई भी शुरा आप पढ़ सकते हैं इसी तरह दूसरी रकत है उसमें आप हमद पढ़ेंगे इसी तरह कोई भी शुरह आप पढ़ सकते हैं एक से ज्यादा सूरत भी पढ़ सकते हैं कोई हर्ज नहीं है और नमाज शफा में कनूत नहीं है आपने नियत की हमद पढ़ी दूसरा सूरा पढ़ा इसी तरह रकू किया सजदे किए खड़े हुए फिर हमद पढ़ी दूसरा सूरा पढ़ा और एक और सूरा आपने पढ़ा कोई हर्ज नहीं है वाजिब नमाज में होता है कि आप एक से ज़्यादा सूरा बाद में ना पढ़ें हमद के बाद शुर हमद पढ़ें फिर एक सूरा पढ़ें और नमाज मुकम्मल करें मुस्ब में आप जितने सूरा और अजकार बढ़ाना चाहते हैं कोई हर्ज नहीं है इसी तरह नमाज शफा मुकम्मल करेंगे तशाह और सलाम ख़त्म करके फिर आ जाती है आखिरी नमाज वेतर इसके बारे में ज्यादा सवाल किया जाता है मोमिन को इसके बारे में काफी पेचीदगी नजर आती है एक सवाल यहां जिक्र करते चलें कि लोग पूछते हैं मोमिन पूछते हैं कि नमाज शब के लिए सोना जरूरी है यानी कि बाज़ लोग कहते हैं कि सो जाएं नमाज शब पढ़नी है तो पहले पहले थोड़ी सी नींद करना ज़रूरी है ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको पता है कि मैं सो गया नमाज शब रह जाएगी आप नमाज शब पढ़ सकते हैं हती कि आपको पता है कि मैं रात के आधी रात के बाद नमाज शब नहीं पढ़ सकता अफजल है आधी रात के बाद और फजर से पहले अफजल वक्त है नमाज शब का आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकूँगा तो आप नमाज अशा के बाद भी आप नमाज शब को पढ़ के सो सकते हैं कोई मसला नहीं है इसी तरह आगे आते हैं नमाज वित्र आखिरी जो ग्यारहवीं रकत है नमाज शब की उसको आपने किस तरह पढ़ना है एक रकत नमाज व पढ़ता हूँ तहजद की क़ुरबन अल्लाह अल्लाह अकबर उसमें में हमद पढ़नी है सूरत कुलह अहद पढ़नी है तीन मरतबा सूरत कुल अहद पढ़े मुस्तहब है इसी तरह और भी सूर ऐड कर सकते हैं कोई भी सूर पढ़े आप ऐड कर सकते हैं उसके बाद आपने ये जो मेन सवाल है कि ज़िक्र और तस्बीहात और इस्तगफार कहाँ करना है ये आपने कनूत में करना है अहमद पढ़ी सूर पढ़े फिर आप कनूत में चले जाएंगे कनूत में आपने इसतगफ़ार पढ़ना है जो जो आप ज़िक्र मस्त समझते हैं वो करें मोमिन चालीस मोमिन की मगफ़रत के लिए नाम लें जो आप ज़िक्र करते हैं वो करें हती कि आप अपनी ज़बान में भी दुआ मांग सकते हैं उसके बाद आप रकू में चले जाएँगे बाद लोग कहते हैं कि जी फ़कत यही व्यतर है हमने तो यही समझा हुआ था कि बस खड़े होके या बैठ के एक रकत वितर पढ़नी है बैठ के आप पढ़ सकते हैं लेकिन बेहतर यह खड़े होकर पढ़ें रग, आ, कनूत करेंगे सूरतें पढ़ के कनूत में ये सारी दुआएं मांगेंगे आ, मुनाजात करेंगे फिर आप रकू में चले जाएंगे रकू के बाद खड़े होंगे समय अल्लाहदा अल्ला अकबर कह के सजदे में जाएंगे एक सजदा दूसरा सजदा तशाह और सलाम यह नमाज शब मुकम्मल हो जाती है इसमें एक और सवाल किया जाता है कि हम तस्वी जनाब ज़हरा सलाम कब पढ़ें आखिर में पढ़ें या हर दो रकत के बाद पढ़ें आप हर दो रकत के बाद पढ़ सकते हैं तस्वीर तो बेहतर है नहीं तो आप नमाज वितर मुकम्मल करके आखिर में तस्वी पढ़ें बैठें फिर दुआ मांगें और फिर जो जो आपकी हाजात हैं वो अल्लाह की बारगाह से तलब करें तो ये नमाज शब का तरीका है और इसमें जो मेन सवालत थे वो भी हमने कवर कर दिए हैं इन शमाज ईशा की जो वितर है उसे भी वितर या वेरा कहा जाता है जो बैठ के दो रखत नमाज पढ़ी जाती है नमाज ईशा की नवाफिल वो भी हम इनशा प्रैक्टिकली बताएँगे कि उसको किस तरह पढ़ा जाता है से सेतमस हैं हमें दो में याद रखा करें और खसूस नमाज शब में मेरा नाम लेके और मेरे अहलवयाल के लिए खसूसी दुआ किया करें अलहमदल्लाब आते